हेलो एवरीवन, विशाली हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जब से मैंने हेयर स्टाइल की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की थी, आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट की थी, तभी से मुझसे हेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे एंड यू गाइस लव माय हेयर। बट यू नो व्हाट, स्टार्टिंग से मेरे हेयर ऐसे नहीं थे। आई वाज बोर्न विद गोल्डन ब्राउनिश हेयर, जो रफ थे, वीक थे। सो मेरी मम्मा मेरे हेयर को लेकर हमेशा वरीड रहती थी, बिकॉज उस टाइम पर ना जो ब्लैक हेयर होते थे ना, उसको आइडल कलर माना जाता था। तो ऐसे में ब्लैक नहीं, डार्क ब्राउन नहीं, गोल्डन ब्राउन। तो आप खुद ही आप सोच सकते हो। मेरी मम्मा ना डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज ट्राई किया करती थी मेरे हेयर के लिए, बट शी ऑलवेज मेक श्योर कि अगर वो कोई प्रोडक्ट यूज करिए तो वो नेचुरल होने चाहिए या फिर वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करते थे। सो मेरी मम्मा का एक फेवरेट लेप हुआ करता था, जो आंवला, शिकाकाई, मुलेठी, इस तरीके के जो यू नो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां काइंड ऑफ जो भी ये होते हैं, इनको पहले सुखाकर एंड देन उनका पाउडर बनाकर वो यू नो लेप काइंड ऑफ मेरे हेयर पे यूज करते थे। आई एम श्योर कि आप में से काफी लोग होंगे जिन्होंने इनका यूज किया होगा। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि मुझे हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। सो मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं भी इस तरीके के लेप वगैरह बना सकूँ, लेकिन आज के बिजी टाइम पे हम लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम इतना तामझाम कर सके कि सबसे पहले हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करें, बिकॉज एक साथ मिलना ही मुश्किल है। उसके बाद में इसको ड्राई करें, इसका पाउडर बनाएं एंड देन इसको यूज करें। सो गाइस, मदर स्पर्श ने हम सबका ये काम जो है बहुत इजी कर। सो मदर स्पर्श ने अभी रिसेंटली ही एक पूरी हेयर केयर रेंज लॉन्च की है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इनके प्रोडक्ट्स इनकी वेबसाइट से या फिर अमेजोन से ऑर्डर करनी है एंड बस फिर यूज कर लेना है। क्योंकि मदर स्पर्श की जो ये रेंज है गाइस, ये एक आयुर्वेदिक होम रेमेडी पर बेस्ड है, जिसमें ये हर्बल और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज करते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरीके के डेनिम बैग में आपको जो हेयर केयर रेंज है वो रिसीव होगी। सो यहाँ पे एक पॉकेट है, पॉकेट बोल रही चैन है। सो इस रेंज में आपको टोटल 4 प्रोडक्ट रिसीव होंगे। सो सबसे पहले है ऑयल, हेयर लेप, क्लींजर एंड हेयर कंडीशनर। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आपको इन्हें यूज कैसे करना है एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सो फर्स्ट स्टेप होता है ऑयलिंग। ये हेयर ऑयल स्टडी व्हाइट कलर की प्लास्टिक की बोतल में आता है। ये एक आयुर्वेदिक ऑयल है, इसमें कोई भी पैराबेन, सिलिकॉन, डाई नहीं है। अगर आपके हेयर डल, ड्राई है, हेयर फॉल हो रहा है, स्प्लिट्स एंड की प्रॉब्लम है, हेयर बीच में ब्रेक हो जाते हैं जिसकी वजह से बेबी हेयर की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, तो ये उन सब के लिए ही बेस्ट वर्क करता है। क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी हेयर ऑयल नहीं है, इस ऑयल में 30 हर्ब्स जैसे हरड़, अलसी, कपूर, हल्दी, नागर मोथा, रीठा, ब्राह्मी, मेथी और आंवला जैसे और भी अच्छे अच्छे हर्ब्स शामिल हैं। इस ऑयल को मैं पहले स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई करूंगी, बिकॉज ऑयल का बेनिफिट हमें तभी मिलता है जब हम उसे स्कैल्प पर अच्छे से अप्लाई करते हैं। ये हेयर ऑयल नॉन स्टिकी एंड नॉन ऑयली है, तो हेयर पे हैवी नहीं फील होगा आपको लगाने के बाद। स्कैल्प पर अप्लाई करने के बाद में मैं एंड्स पर भी थोड़ा सा अप्लाई करूंगी। गाइज, मैं ओवरनाइट मेथड फॉलो करती हूँ, यानी नाइट में ऑयल लगाकर नेक्स्ट मॉर्निंग वॉश कर लेती हूँ हेयर को। बट अगर आप ओवरनाइट मेथड से ओके नहीं हो तो आप 2 आवर के बाद में हेयर को वॉश कर सकते हो। ओके, अब बारी आती है मेरे फेवरेट प्रोडक्ट की एंड वो है ये हेयर लेप। आपको इस लेप को वीक में सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है एंड नाइट में ऑयलिंग करने के बाद में मॉर्निंग में आपको इस लेप का यूज़ करना है, बिकॉज इस जो ये लेप है गाइस, इसको यूज़ करने के बाद में आपके हेयर थोड़े से आपको ड्राई फील हो सकते हैं, क्योंकि ये हर्ब से मिलकर बना है। तो जो हर्ब्स होते हैं वो हेयर को थोड़ा सा ड्राई बना देते हैं, तो मेक श्योर कि आप एक दिन पहले ऑयलिंग ज़रूर कर लें। एंड गाइज, ये पूरा फिल था, बट क्योंकि मैं इसको 5 बार ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए ये थोड़ा हाफ हो गया है। ओके, अब अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आपको दशमोल हेयर लेप पाउडर एक बाउल में लेना है। वाटर या आंवला जूस की हेल्प से एक पेस्ट बना लेंगे एंड हेयर रूट से लेकर हेयर लेंथ तक आपको अच्छे से इस लेप को अप्लाई कर लेना है। क्योंकि लेप अच्छे से लगे तो इसके लिए मैं हमेशा अपनी मम्मा की हेल्प लेती हूँ, तो आप भी अपनी मम्मा का, सिस्टर का, जो भी घर पे हो, अब तो वैसे सारे घर पर ही है ना, किसी की भी हेल्प ले सकते हो। आपको इस लेप को 35 to 40 मिनट्स के लिए लगाना है गाइस। सिर्फ
एक बार यूज़ करने पे ही ना आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे हेयर ड्राई हैं एंड बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं है सही बताऊँ तो मेरे हेयर अच्छे से रहें एंड इसके लिए मैं हमेशा हेयर सीरम का यूज़ करती हूँ। लेकिन मैंने पिछले एक महीने से हेयर सीरम का यूज़ नहीं किया है एंड मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे। ये लेप पावर पैक बोटैनिकल हर्ब जैसे कि दशमोल, मेथी, त्रिफला, शिकाकाई, आंवला से बना है। ये लेप हेल्दी स्कैल्प एंड हेयर को प्रमोट करता है। आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, ये सिंगल प्रोडक्ट उन सब के लिए बेस्ट वर्क करता है। ये ड्राई हेयर को नरिश करके हेयर को मैनेजेबल बनाता है। 40 मिनट्स के बाद में आपको हेयर को माइल्ड शैम्पू से वॉश करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मदर स्पर्श हेयर क्लींजर का। ये हेयर क्लींजर हर्ब्स एंड नरिशिंग ऑयल का मिक्सचर है। इसमें जाप पुष्पा, जटामासी, पुखराज, आंवला, रीठा, कोकोनट ऑयल, वॉलनट ऑयल, केरियम ऑयल, क्लेरीसेज ऑयल है। ये एक माइल्ड हेयर क्लींजर है जो नेचुरल हेयर ऑयल को डिस्टर्ब किए बिना जेंटली डर्ट एंड इम्प्योरिटीज़ को स्कैल्प से निकाल देता है। ये हमारे स्कैल्प को नरिश करके हेयर को स्ट्रेंथन, शाइनर एंड बाउंसियर बनाने में हेल्प करता है। अगर आपके आपको हेयर फॉल की गाइस बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन फिर भी हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बस गाइस एक बार इसको ट्राई करके देखना है। यकीन मानिए आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। शैम्पू के बाद में हमेशा कंडीशनर का यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मदर स्पर्श जाप पुष्पा नेचुरल हेयर कंडीशनर। वेट हेयर पर आप हमें हमेशा कंडीशनर को अप्लाई करना चाहिए हेयर लेंथ पर। अगर आपके हेयर ड्राई, डल, वीक है तो ये कंडीशनर डीपली नरिश करके हेयर को सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी एंड बाउंसी बनाता है। ये हेयर को मैनेजेबल और फ्रिज भी उसकी कम कर देगा। इस हेयर कंडीशनर में ब्राह्मी, भृंगराज, जाप पुष्पा है जो हमारे हेयर को की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ओवरऑल गाइज दिस इज़ अ क्वाइट इम्प्रेसिव हेयर रेंज। प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोज के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर।